जनपद संभल की चंदौसी में भीमराव सेना ने रैली निकालकर देश में दलितों के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। जिस तरह से देश भर में दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर दलितों में आक्रोश फैल रहा है, जिसका दलित देश भर में अपने अपने तरीकों से विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से राजस्थान के नागौर में एक दलित युवक पर चोरी का शक होने के बाद स्वर्ण वर्ग के लोगों ने उसके साथ अमानवीयता की हदें पार करते हुए पेचकस से उसके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाल दिया था, उसी को लेकर आज जनपद संभल की चंदौसी में भीमराव सेना ने शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विषय में भीमराव सेना के सतीश प्रेमी ने बताया कि जिस तरह से देश और प्रदेश में दलितों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, वह बंद होने चाहिए और ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नागौर में दर्दनाक घटना हुई है जिसमें मानव जाति पूरी तरह से सर्वनाश हो गई है। हम ये चाहते हैं कि ऐसी घटना आगे ना आए समाज के लिए। क्या दलित इस बात के लिए हर बार गुनहगार होता है? उसके साथ आगे कोई खड़ा नहीं होता है, और खड़ा होता भी है तो उसकी आवाज़ क्यों दबाई जाती है? इसलिए आज हम इस आवाज़ के साथ उठे हैं कि हमारी आवाज़ भारत सरकार तक जाए, और जिस व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है उसके साथ कड़ी से कड़ी उनके मुजरिमों के लिए सजा मिले और उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिले। इसी के लिए हम अपना ये टीम के साथ चंदौसी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में दलितों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, सरेआम उनको मारा पीटा जा रहा है, सरेआम गुप्तांगों में छड़ियाँ डाली जा रही हैं। इससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति कब होगी? हम केवल ये चाहते हैं, हम बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदेश के और देश की सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो देश में आपराधिक घटनाएं जो खास करके दलितों के साथ हो रही हैं, जो मुस्लिमों के साथ हो रही हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, वो घटनाएं बंद कर दें, अन्यथा बाबा साहब के अनुयायी सड़कों पर उतर के इस प्रदेश और देश की सरकार को फाड़ पड़ेगा।